हेलो स्टूडेंट्स, मैं SS चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूँ 2019 बोर्ड एग्ज़ाम पेपर। और ये जो बोर्ड एग्ज़ाम पेपर है, इस बोर्ड एग्ज़ाम पेपर को अपन यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम पेपर 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन अपने लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट हैं आने वाली एग्ज़ाम के लिए, इसको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग उसको समझने का प्रयास करें। और सबसे पहले तो आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना है, लाइक कर देना है वीडियो को, और पढ़ना यहाँ पर आप लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2019 के पेपर की बात करें अपन, तो बोर्ड एग्ज़ाम पेपर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि नेटवर्क ठोस का कोई एक उदाहरण दीजिए। अब नेटवर्क ठोस बोलो या सहसंयोजक ठोस बोलो, बात एक ही होती है। नेटवर्क ठोस बोलो या सहसंयोजक ठोस बोलो, बात एक ही होती है। इसमें मुख्यतः जो आपका उदाहरण यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नेटवर्क ठोस का, वो होता है आपका, देखिए एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नेटवर्क ठोस का उदाहरण, और वो होता है हीरा। क्या होता है? हीरा। ठीक है, तो देखो हीरा आप लोग ध्यान रख सकते हैं, इसके अलावा आप लोग ग्रेफाइट ध्यान रख सकते हैं, ग्रेफाइट ध्यान रख सकते हैं, सिलिकन कार्बाइड ध्यान रख सकते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारे उदाहरण जो हैं ये नेटवर्क ठोस के उदाहरण होते हैं, जिसे अपन सहसंयोजक ठोस या कोवलेंट ठोस भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि नेटवर्क ठोस क्या होता है या सहसंयोजक ठोस क्या होता है। ठीक है, नेटवर्क ठोस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अवयवी कण जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से सहसंयोजक बंध से जुड़कर और एक बिल्कुल नेटवर्क संरचना, त्रिविमीय जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, इसीलिए इसको नेटवर्क ठोस कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो तो ये था अपना पहला क्वेश्चन, सभी विद्यार्थियों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा अपन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है। देखो स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें चाहे घटक कितने ही हों, जैसे ए हो, बी हो, सी, कितने भी घटक हों, इन सभी का क्वथनांक जो होता है ना वो स्थिर हो। मतलब ये सारे के सारे घटक एक ही क्वथनांक बिंदु पर उबलते हों, उसको अपन बोलते हैं, उस मिश्रण को अपन बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, यानी कि विलयनों का ऐसा मिश्रण जिसमें सारे विलयन एक ही क्वथनांक बिंदु पर उबलते हैं या जिनके क्वथनांक समान होते हैं, उन मिश्रण को अपन बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, तो ये था अपनी इसकी परिभाषा जो अपन को यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक आपको दे रखा है और अभिक्रिया की कोटि आपसे पूछी है। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, आपको दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक, के का मान आपको दे रखा है। अब देखो इस वेग नियतांक को यदि आप लोग ध्यान से देखें ना, तो इस वेग नियतांक में अपन को जो दिया हुआ यहाँ पर है मात्रक, इसका इसको ध्यान से देखो, मात्रक दिया हुआ है प्रति सेकंड, और प्रति सेकंड जो मात्रक होता है ना, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण होता है। देखो प्रथम कोटि के लिए मात्रक जो होता है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो मात्रक होता है वो होता है कौन, प्रति सेकंड होता है। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग नियतांक आपको दे रखा है, प्रति सेकंड वेग नियतांक है, और प्रति सेकंड वेग नियतांक इसके लिए होगा प्रथम कोटि के लिए होगा, मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये था अपना एक और क्वेश्चन जो अपन ने बहुत ही आसानी से सोल्व कर लिया है। इसी तरह के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी अच्छे और बहुत ही छोटे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं जो अपन को बिल्कुल देखते ही अपन आंसर उसका दे सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चर्चा करते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहली ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दहली ऊर्जा जो है वैसे ये अपने सिलेबस से वर्तमान समय में हटा दी गई है। ठीक है ना, तो
तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व नहीं करेंगे, ये हटा दी गई है, पर फिर भी मैं एक सिंपल सी जानकारी इसके बारे में आप लोगों को दे दूँ। तो देखो, दहली ऊर्जा का मतलब होता है कि जब भी किसी धातु की सतह पर अपन प्रकाश डालें और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, उसी को अपन बोलते हैं दहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं उसको? अपन दहली ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। परंतु ये सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और 5 क्वेश्चन में पूछा है कि द्विदंतुक लिगेंड का कोई एक उदाहरण बताइए। तो देखो, द्विदंतुक लिगेंड में उदाहरण के रूप में अपन बात करते हैं, तो इसमें आपका सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण आता है EN। EN को अपन क्या बोलते हैं? तो देखो, इसका नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, नाम होता है एथिलीन डाईएमीन। ये इसका नाम होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहला द्विदंतुक लिगेंड तो ये हो गया है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। परंतु बात करें अपन कि सर और कौन कौन से द्विदंतुक लिगेंड होते हैं, तो देखो एक और द्विदंतुक लिगेंड होता है जिसको आप लोग OX से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो OX है ना, इस OX का सिंपल सा मतलब होता है, इसको बोलते हैं अपन ऑक्सलेटो। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सलेटो कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको अपन किस प्रकार से लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं अपन C2O4-2 के रूप में लिखते हैं, ये ऑक्सलेटो है, ये भी एक द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण है। अच्छा, बात आती है कि सर एथिलीन डायमीन को कैसे लिखते होंगे? तो एथिलीन डायमीन को लिखने का तरीका इस प्रकार से होता है, इसका सूत्र जो होता है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है, CH2NH2COH2NH2, ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है ना। ये एथिलीन डायमीन है, EN है, ठीक है। तो ये दो द्विदंतुक लिगेंड थे जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन आगे की तरफ, और देखो नेक्स्ट बात करें अपन यहाँ पर, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम बताइए। तो देखो, डाई एथिल ईथर, सबसे पहले फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए। फॉर्मूला है C2H5O C2H5, ये फॉर्मूला होता है डाई एथिल ईथर का। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि चाहे कोई सा भी ईथर हो, ईथर जो होता है ना, इसका IUPAC नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। इसका IUPAC नाम क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन इसका IUPAC नाम होता है। अब देखो, एल्कोक्सी एल्केन IUPAC नाम इसका है, और यहाँ पर बात आती है कि एल्कोक्सी क्या चीज़ है। तो देखो, एल्कोक्सी यहाँ पर होता है क्या? एल्कोक्सी यहाँ पर क्या होता है कि जो छोटा समूह है ना, उसको ऑक्सीजन के साथ लेकर एल्कोक्सी मानते हैं, और एल्केन होता है बड़ा समूह। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर तो दोनों समूह समान हैं, दोनों समूह समान हैं, तो किसी भी एक को एल्कोक्सी मान लो और एक को एल्केन मान लो। अब इसको एल्कोक्सी मानेंगे तो देखो, दो कार्बन वाला समूह है, दो कार्बन वाले समूह को क्या बोलेंगे अपन एल्कोक्सी के रूप में? एथोक्सी कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एथोक्सी। और ये कौन सा है? दो कार्बन वाला एल्केन है, तो दो कार्बन वाला एल्केन क्या होता है? एथेन होता है, तो नाम हो जाएगा एथोक्सी एथेन। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है फिनोक्साइड आयन की अनुनादी संरचना बनाइए। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिनोक्साइड आयन होता क्या है। तो देखो, फिनोल के द्वारा H+ का त्याग करने पर बना हुआ आयन फिनोक्साइड आयन कहलाता है। और फिनोक्साइड आयन जो होता है ना, देखिए ये फिनोक्साइड आयन की एक सामान्य संरचना है। सबसे पहले मैं सामान्य संरचना आप लोगों को बना दूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये ऑक्सीजन है इस बेंजीन वाले के ऊपर, इस प्रकार से माइनस यहाँ पर लगा होता है। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका फिनोक्साइड आयन। अब फिनोक्साइड आयन की अनुवादी संरचनाओं की अपन बात करते हैं, इसको माइनस को अपन इस तरफ लगा देते हैं, ये अनुवादी संरचना क्या होगी इसकी? तो थोड़ा सा इसको मैं ना आपके सामने थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ यहाँ पर, इस प्रकार से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, इस प्रकार से बंद में लगा देता हूँ, देखो हाँ, ये फिनोक्साइड आयन है, ठीक है ना। आपको पता है अपन बंद भी लगा सकते हैं इसके अंदर और गोला भी बना सकते हैं, बात एक ही है। अब देखो,
फिनोक्साइड अयन की अनुनादी संरचना आपको बनानी है तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है इसलिए ये धनात्मक अनुनाद प्रभाव प्लस आर प्रभाव प्रदर्शित करेगा। और ये लोन पेयर कहाँ चले जाएंगे, ये जो माइनस वाला समूह है, माइनस वाला जो आवेश है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस वाले बंद पर चले जाएंगे, और ये बंद उठकर कहाँ जाएगा, निकटवर्ती परमाणु पर। देखो हमेशा इलेक्ट्रॉन का जो गमन होता है ना वो परमाणु से बंद पर और निकटवर्ती बंद से परमाणु पर होता है, यानी कि पहले परमाणु से इलेक्ट्रॉन जाएंगे निकटवर्ती बंद पर और निकटवर्ती बंद से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ पर, निकटवर्ती परमाणु पर, ठीक है ना। अब अगली अनुनादी संरचना इसकी क्या बनेगी, तो भाई अगली अनुनादी संरचना इसकी जो बनती है ना वो कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। देखो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए हैं मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, ओ ठीक है, इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जो है ना देखो ये प्लस यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, चार इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे रह जाएंगे, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा, ये दो बंद सेम रह जाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट अनुनादी संरचना के बारे में, तो नेक्स्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे निकटवर्ती बंद पर, निकटवर्ती बंद चला जाएगा निकटवर्ती परमाणु पर, ठीक है। तो अगली अनुनादी संरचना जो बन जाती है ना वो अपने पास बन जाएगी ये वाली डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से चार इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, ये इलेक्ट्रॉन आ गए हैं यहाँ निकटवर्ती बंद पर तो यहाँ बंद का निर्माण हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आए हैं निकटवर्ती परमाणु पर तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पर बंद एजिटीज रहेगा। अब नेक्स्ट अनुनादी संरचना में क्या होगा सर, तो देखो नेक्स्ट वाले में क्या होता है, नेक्स्ट वाले में ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे निकटवर्ती बंद पर और ये आ जाएंगे निकटवर्ती परमाणु पर, ठीक है ना। तो अगली अनुनादी संरचना जो बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी, देखो अगली अनुनादी संरचना इस प्रकार से बनेगी कि यहाँ पर ऊपर वाले बंद तो सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज अभी आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन आए हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन चले गए हैं यहाँ पर, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और बात करते हैं ये वाला बंद तो ये सेम रहेगा यहाँ पर, नेक्स्ट वाली संरचना में क्या हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पर, तो फिर से आपको यही वाली अनुनादी संरचना प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये फिनोक्साइड आयन की क्या है, अनुनादी संरचना है। आशा करता हूँ आप सभी को ये विद्यार्थियों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो तो ये बात अपने पास हो गई है, अब बात करेंगे अपन यहाँ पर कि यहाँ पर जो है आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखो अगला क्वेश्चन है कार्बिल एमीन की अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण आपको देनी है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण क्या होती है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अपन है ना CH3 CH2 NH2 वन डिग्री एमीन जो होती है ना, इस वन डिग्री एथेन एमीन की क्रिया कराते हैं, किससे इसकी क्रिया कराते हैं अपन, CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म से कराते हैं KOH की उपस्थिति में। अब देखो क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर, यहाँ पर बनता है CH3 CH2 NC, यानी यहाँ पर ये आइसोसाइनाइड बनता है, और ये जो एथिल आइसोसाइनाइड बना है ना इसी को अपन बोलते हैं कार्बिल एमीन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन कहते हैं, और कार्बिल एमीन के बनने के कारण ही इस अभिक्रिया को बोला जाता है क्या, कार्बिल एमीन अभिक्रिया इसको कहा जाता है। साथ में क्या बनेगा सर, तो साथ में बनेगा 3KCl बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से मुक्त हो जाएगी। तो ये जो अभिक्रिया है आपकी इसमें एथिल आइसोसाइनाइड बना है जिसी को अपन क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन भी कहते हैं, और इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या दिया गया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया दिया गया है। तो वन डिग्री एमीन की क्रिया अपन कराएंगे किससे, क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में, तो बनता है कार्बिल एमीन, और इसीलिए सभी क्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन का नाम बताइए। अब वैसे तो खैर नाम अपन बता सकते हैं थायराइड ग्रंथि से संबंधित, बायोलॉजी वाले तो कम से कम बता सकते हैं, परंतु देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन भी अपने लिए हटा दिया गया है, ठीक है ना, सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, इसलिए आप लोग इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत इसको है नहीं, पर फिर भी बता दूं मैं, थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित हार्मोन का नाम थायरोक्सिन होता है। क्या होता है, हाँ थायरोक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है भाई। चलो तो ये थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ पर है, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ,
तो अपने क्वेश्चन नंबर 9th को हटा दिया गया है, 10th बहुलक से संबंधित है इसको भी हटा दिया गया है, 11th भी बहुलक से संबंधित है इसको हटा दिया गया है, और 12th भी बहुलक से संबंधित है इसको भी अपने सिलेबस से वर्तमान समय में हटा दिया गया है। ठीक है भाई, तो इन चारों क्वेश्चंस को अपन सॉल्व नहीं करेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है कि H2O में उपस्थित सममिति अक्ष का मान बताइए, यानी CN का मान बताइए। तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि H2O जो होता है ना, इसमें C2 सममिति अक्ष पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? C2। अच्छा, C2 क्यों बोला इसको? C2 इसलिए बोला क्योंकि ये 180 डिग्री के कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर जब इसको घुमाया जाता है ना, तो मूल रूप पुनः प्राप्त हो जाता है, तो मूल रूप पुनः प्राप्त हो जाता है। और आपको पता है कि 360 बटे थीटा यदि अपन कर दें, 360 डिग्री बटे क्या कर देंगे, थीटा कर देंगे अपन, तो वो सममिति अक्ष निकल कर अपनी आती है। तो 360 बटे क्या करना है अपन को, थीटा क्या दिया हुआ है, 180। तो यहाँ पर 180 लिखेंगे तो क्या आएगा, दो आंसर आएगा। और इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए अपन बोलते हैं इसको कि यहाँ पर अक्ष कौन सी है, C2 सममिति अक्ष है। ठीक है ना, इस प्रकार से सममिति अक्ष अपन निकालते हैं। ठीक है ना, चलो तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया अपने सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर है कि शोटकी और फ्रेंकल दोष में कोई तो अंतर बताइए। तो देखो शोटकी की बात करें ना अपन, शोटकी दोष में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन, ठीक है, लगभग समान आकार का धनायन व ऋणायन जो होते हैं ना, वो अपने जालक स्थल को छोड़कर, अपने जालक स्थल को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने आप लोगों से, मैंने आप लोगों से बोला है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ना, अपने शोटकी दोष में जो धनायन व ऋणायन होते हैं वो अपने जालक स्थल को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, वो क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। इसलिए मूल स्थान पर रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, मूल स्थान पर क्या उत्पन्न हो जाती है, रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इसको आयनिक क्रिस्टलों का रिक्तिका दोष भी कहते हैं। ठीक है, और फ्रेंकल दोष में क्या होता है, फ्रेंकल दोष में जो होता है ना, इसमें छोटे आकार का धनायन अपने जालक स्थल को छोड़कर अंतराकाश स्थल में आ जाता है, किसमें आ जाता है, अंतराकाश स्थल में आ जाता है। अच्छा, इसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक जालक की सहायता से समझा देता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो जालक कैसा बनाते हैं अपन, तो वो सिंपल सी बात, आप Na+Cl- का जालक जानते हैं, Na+Cl-, ठीक है, Na+Cl-, ठीक है, इसी प्रकार से Cl-, Na+, ठीक है, Cl-, Na+, ठीक है, ये जालक मैंने आप लोगों के सामने बनाया है। अब देखो इस जालक में आप लोग यदि ध्यान से देखें ना, तो देखो इस जालक में ना बीच बीच में खाली स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलो इस प्रकार से जुड़ा होता है ये चारों तरफ से, ठीक है, इस प्रकार से देखो, तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, यदि इनमें से कोई भी धनायन व ऋणायन, कोई भी एक धनायन और ऋणायन अपने जालक स्थल को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाए, जैसे कि बात करें अपन, ये तो सोडियम यहाँ से चला गया धनायन, और ये ऋणायन क्लोरीन यहाँ से अपने जालक स्थल को छोड़कर चला जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गई, देखो यहाँ पर जो है ना दो रिक्तिकाएँ उत्पन्न हो गई है, तो इस दोष को अपन बोलते हैं क्या, शोटकी दोष बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शोटकी दोष कहते हैं। और मान लो यदि यहाँ पर क्या हो जाए, मान लो यदि यहाँ पर ये जो धनायन है Na+, ये अपने जालक स्थल को छोड़कर कहाँ जाए, इस अंतराकाश में जाए, बीच में खाली स्थान दिख रहा है ना आपको, इसको अंतराकाश कहते हैं, और धनायन अपना स्थान छोड़कर कहाँ जाए, अंतराकाश में आ जाए, तो इसको बोलेंगे अपन क्या, इसको अपन बोलते हैं क्या, यहाँ पर जो हो इस प्रकार से जो है इस तरह से, हाँ, यहाँ से जो है धनायन यदि अपना स्थान छोड़कर कहाँ आ जाता है, अंतराकाश में आ जाता है, तो इस दोष को अपन क्या बोलते हैं, इस दोष को अपन बोलते हैं फ्रेंकल दोष। अब देखो जहाँ से स्थान छोड़ा गया है वहाँ पर तो हो जाएगा क्या, रिक्तिका दोष, और जहाँ गया है वहाँ अंतराकाश दोष उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो पहले तो इसकी परिभाषा में अंतर हो गया यहाँ पर। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद देखते हैं अपन, देखो शोटकी दोष में क्या हुआ है, शोटकी दोष में आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर गए हैं, इसीलिए यहाँ पर घनत्व में क्या जाती है, कमी आ जाती है। परंतु फ्रेंकल दोष जो होता है ना, फ्रेंकल दोष में आयन अभी भी अंतराकाश यानी कि जालक के अंदर ही है, इसीलिए यहाँ पर घनत्व में कोई कमी नहीं आती है। तो ये दो
जो है अंतर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आपको ये बात भी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं कि सरल घनीय जालक में संकुलन दक्षता की गणना कीजिए। सरल घनीय जालक में संकुलन दक्षता की गणना कीजिए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो देखो मैं आपको बता दूँ कि जो SCC होता है ना, सरल घनीय जालक SCC जो होता है, इसकी संकुलन दक्षता आती है 52.4%। ठीक है, 52.4% आती है। यदि डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जाए कि सरल घनीय जालक में संकुलन दक्षता जो होती है वो कितनी होती है, तो 52.4% होती है, ये आप लोगों को पता यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है ना, अब इस 52.4% को, इस 52.4% को किस प्रकार से निकालते हैं, इसके बारे में जो चर्चा है वो अपन करेंगे कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो जो होती है ना वो काफ़ी बड़ी बन जाती है, तो अपलोड होने में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अपन जो है इसी, जैसे अपन ने पहले 2020 का पेपर अपन ने 2-3 पार्ट्स के अंदर पढ़ा है, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और साथ ही जो है आपका नेट यूज़ भी कम से कम हो, तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसको पढ़ेंगे। तो अपन 2-3 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला पार्ट आप लोगों के लिए डाल दिया गया है। आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। नए विद्यार्थी यदि आप लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें जो है आगे से मोटिवेशन मिले और इस प्रकार से हम जो है आपके लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियो बनाकर ला पाएँ। ठीक है, तो अपन यहाँ पर जितने भी पुराने 10 से 12 साल के पेपर हैं उन सभी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सभी विद्यार्थी जो है अधिक से अधिक इससे जुड़ें, और जो आप लोगों के लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है मैटर, इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।